अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की एपिसोड बहुत अहम है और आज हम बात करेंगे सोल फार्मिंग के बारे में। सोल फार्मिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कितना सीड लेना चाहिए, कितनी एग्जाम का सोल होता है, इसका मार्केट रेट क्या निकलता है, डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, किस किस्म का सोल का रेट अच्छा निकलता है। उससे पहले आप ये वीडियो देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कन्वर्सेशन में कि ये कौन सा सोल है, उसका क्या रेट निकलता है। कौन सा सोल है जी बताएं? ये सोल एक होता है, सिंधी नहीं, ये एक होता है कटर और एक होता है कटर होता है जेना सिंध में होता है। अच्छा, और ये आपके पास कौन सा है? ये अपना ये सोल है जेड़ा ना, ये वो असल सोल है, असल सोल है। ठीक, कितना मुखर? अच्छा, मुखर है जेड़ा ना, वो होंदे छोटा। अच्छा जी जी, वो बनता है किलो दा सवा दा। ठीक है, ये तो मतलब जितने मतलब इनको टाइम मिले। ये फूल वाला सोल है ना, ये कितने इंच दा है? ये 5 इंच दा। और इधर की कीमत होंगी है? तकरीबन बाजार आम बंदे ने लेना होए थे, आम बंदे जेडे बाजार तैयार थिया होवे ना? नहीं नहीं, यही अगर लेके पाना होवे, ए पाना होए ते कोई 4 रुपए नाल है, कोई 5 रुपए नाल है, कोई 10 रुपए नाल है, कोई 15 नाल। पिछले साल ए 39 रुपए दा दिते से। अच्छा, 39 रुपए दा जी जी। तो ए दी के एक साल च कितना कर जाएगा, यानी हुन पाइए ते 2 साल दा टारगेट है सर? तालाब चो पाना मर जाएगा? कोई कंफर्म नहीं, 50-50 चांस होता है। तेन बेहतर है कि फिर नर्सरी च रखा जाए? नर्सरी है जी, नर्सरी वो जी महफूज है। महफूज करने का तरीका तो मैं दस दिता है। चलो, जी आपने देख लिया, इस वीडियो में बेसिकली कुछ चीज़ें कवर है। नंबर वन, इसकी प्राइस कल क्लियर होगी। सेकंड, आपको छोटे सीड का साइज़ क्लियर हो गया कि कितने साइज़ का मिल जाता है, कटर सोल में और स्टार वाला सोल में क्या फ़र्क होता है, कटर सोल भी सोल की किस्म के बारे में पता लग गया होगा। तो ये जो स्टारे वाला सोल है, आजकल इसी की डिमांड है और इसी का ही अच्छा रेट लग जाता है। इसको असली सोल के नाम से बहुत सारे नामों से बहुत मुख्तलिफ ज़बानों में जाना जाता है। तो ये आपके जहन में क्लियर आ गया। हम इसमें से एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। एवरेज वैल्यू निकलती है 10 रुपये। फर्ज करें आपको 10 रुपये में आम इन दिनों में या इससे पहले जो एक महीना गुजरा उसमें मिल जाता है, ये बड़ी आराम से मिल जाता है। इसकी ब्रीड की हुई होती है और अब 3-4 इंच का सीड आपको प्रोवाइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को आगाज़ करने से पहले हमें ये देखना है कि क्या जब हम इसको मार्केट में लेके आएंगे तो क्या ये सेलेबल है, या इसके ऊपर अगर हम एफर्ट करना शुरू करते हैं तो हमें पहले मार्केट की डिमांड का पता होना चाहिए, हमें साल के एंड में क्या कीमत मिलती है। तो मैं आपके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी शेयर कर लेता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेता हूँ। तो इसका जो एवरेज रेट निकलता है वो तकरीबन 450 रुपये से कम से कम, ठीक है, कम से कम 450 रुपये पर केजी के हिसाब से ये मार्केट में इसकी ऑक्शन होती है, बोली लगती है। और ये 500-550 तक भी, 600 तक भी चला जाता है। तो जिसका मतलब है कि ये 22,000 फी मन के 40 किलो यानी के से लेकर 32,000 तक जाता है। मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये ऊपर चला जाता है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि इससे अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, यानी अगर आपने 10 मन की हुई है या 200 मन की हुई है, जितनी भी आपने की हुई है, जितने बड़ी मर्जी पैमाने पर की हुई, तो आप इसकी मार्केट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह मल्ली बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, उसका रेट भी ये निकलता है, ठीक है। सिंघारी का रेट भी यही निकलता है, स्नेक हेड का भी रेट तकरीबन यही मिलते जुलते रेट होते हैं, कुछ फ़र्क होता है। इसलिए फार्मर्स जो इसको साथ रख लेते हैं, आप देखते होते हैं कि साल के एंड में जब वो 10-12 मन इसको निकालते हैं कि अच्छा खासा उनको फ़ायदा हो जाता है, चाहे वो 2 एकड़ की फार्मिंग हो या 3 एकड़ की फार्मिंग हो। तो एक चीज़ तो आपके सामने ये क्लियर आ गई। अब मैं आप अपने साथ शेयर करता हूँ, हमने इसको 450 में भी बेचा, 500 में भी बेचा, 670 में भी बेचा, मुख्तलिफ रेटों में बेचा, ठीक है। वज़न कितना कम से कम होता है? 4 किलो, 3.5 किलो, 3 किलो से ऊपर वज़न हो तो, क्योंकि आपको ये सबको पता है, मैं वीडियोस में बारह कह चुका हूँ, मछली का वेट वज़न जो है वो बढ़ता चला जाएगा, रेट में फ़र्क भी आता जाएगा। फ़र्ज करें 2 किलो सोल का रेट अगर 400 रुपये लगता है तो 3 किलो वज़न वाले सोल का रेट 400 रुपये किलो नहीं लगेगा, वो 450-500 रुपये किलो लगेगा। तो वेट की कैटेगरी मैंने बहुत डिटेल से समझाई, आप पीछे वीडियो देख कर आ चुके होंगे कि वज़न में फ़र्क होने से कैसे रेट में फ़र्क आता है। तो आपने टारगेट सेट कर लिया, जी मैंने अपने सोल से इतने ग्राम का वेट लेना है, हम एक उसमें मीन वैल्यू निकालते हैं 3 किलो, ठीक है, और 3 किलो का हम रेट लगा लेते हैं 500 रुपये, ठीक है, 3 केजी का। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 10 किलो 5,000 का बिक जाएगा और 40 किलो 20,000 का बिक जाएगा,
ठीक है, एक 500 मिल मीन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू को हम लगा करते हैं माड़े से माड़े रेट में, अगर वैसे तो इससे भी अच्छा रेट मिल जाता है, तो तकरीबन 20,000 फी मन के हिसाब से निकल आता है। 3 किलो का एक दाना हो तो 10 यूनिट्स 30 kg के निकल आते हैं, तो तकरीबन जो है ना 14 यूनिट्स 14 to 15 यूनिट्स अगर हों तो वो एक मन निकल आते हैं, तो वो 20,000 से 22,000 रुपए के बिक जाएंगे आपके। एज कम्पेयर टू अगर आप दूसरी कॉप्स के साथ बात करते हैं, कॉमन कॉप्स की बात करते हैं, रोहू की करते हैं, जिसका रेट अमूमन 2 किलो वाली का, 2.5 किलो वाली का जो है ना 8200, 8400, 8600, 9200, 9200 तक जाता है फी मन के हिसाब से, तो उसका और इसका बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब ये तो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब को आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप सोल की फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसमें मार्केट में बड़ी इजीली बिक जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बगैर कांटे की होती है अमूमन, और इसका जो मीट होता है वो बड़ा डिलीशियस होता है अगर आप खुद भी खाएं तो, और फिर ये यहां से बाहर बहुत चली जाती है, अपर एरियाज में बहुत जाती है, ठीक है, लाहौर जैसे बड़े सिटीज़ हैं इन शहरों में इन चीज़ों की बहुत डिमांड होती है। फिर आप देखें रेस्टोरेंट नाम के आपने सुनना होगा कि रेस्टोरेंट्स वाले ले जाते हैं, जो अच्छे कैपिटल सिटीज़ हैं वहाँ पर जाके होटलों में बड़े इजीली बिक जाती है, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है। अगर आप सोल की फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको सेल की टेंशन नहीं है, पीक टाइम पर भी इसकी रिसेशन इसमें मैंने कम ही देखा है अगर आपके पास सोल सीड कम है, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है, लिमिटेड सप्लाई है। जब लिमिटेड सप्लाई होगी तो डिमांड फिर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, और साल के पूरे 365 दिन ही इसकी डिमांड होती है। तो ये आपको क्लियर विजन मिल गया कि हमें सोल की फार्मिंग में इतना बड़ा रिस्क नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसको 3 किलो का 3.5 किलो का करना कैसे है, उसके लिए सीड कब लेना है, किस साइज का सीड लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको क्या लेना है। तो रेट आप देख चुके होंगे कि किस रेट में, साइज भी आप देख चुके हैं। अब हमने शिफ्टिंग करनी है, कैसे शिफ्टिंग करनी है, किस तालाब में करनी है, आपके पास दो ऑप्शन है, नंबर वन आप अकेले सोल की फार्मिंग करें, नंबर टू आप इसको कॉमन कार्ब्स के साथ रख सकते हैं। मैं पहले अपना बताता हूँ, मैं इनको कॉमन कार्ब्स के साथ रखता हूँ ताकि ये वहाँ पर ग्रो करके इजीली आगे चला जाए। अब क्या इस छोटे साइज को हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, हाँ इसमें अब दो चीज़ें हैं। अगर आप इतने छोटे सीड को कॉमन कार्ब्स के साथ रखेंगे तो बड़े तालाब में तो मोर्टेलिटी के चांसेस 50% है। अगर आपने 1000 यूनिट्स डाले हैं तो उसमें से बचने की उम्मीद सिर्फ 500 की है, वो भी मैक्सिमम अगर आप बात करें मोर्टेलिटी के, बहुत कम मोर्टेलिटीज़ को कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज इससे भी कम हो जाते हैं, यानी मोर्टेलिटी 75% तक चली जाती है बड़े तालाब में छोटे सीड को रखने से। तो अगर हम छोटा सीड ना रखें तो क्या बड़ा सीड इतना मोर्टेलिटी करता है, हाँ अगर सीड का वज़न एक साल गुजर गया सीड की एज को, ठीक है, और उसका वज़न है 600 ग्राम 700 ग्राम 750 ग्राम उसका वज़न है तो उसको हम रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल उसको रखें। उसको आप कॉमन कार्ब्स के साथ बड़े तालाब में भी रखेंगे तो मोर्टेलिटी के चांसेस 30% तक आ जाएंगे, ठीक है। आपने 1000 यूनिट डाला है तो तकरीबन 700 यूनिट्स उसमें से निकल सकते हैं, अच्छे चांसेस हैं, वरना मोर्टेलिटी आप वहाँ 40% तक ले आए, ठीक है। अब इसकी किस्में कितनी थी वो बता चुके, इसमें जो 5 तारा फूल वाला सोल जिसको ना 5 स्टार्स की येलो स्टार्स होते हैं उसी की मार्केट डिमांड है, आप उसी को ही खरीदें। बहुत सारे मार्केट में फ्रॉड होता है, चीट करके बेच दिया जाता है, लेकिन जब उसको ग्रो करते हैं एक तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसकी मोर्टेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जब वो ग्रो करता है स्लो ग्रो करता है, ज़्यादा फीड खाता है, FCR बहुत ऊपर ले जाता है और मार्केट में उसका रेट भी नहीं निकलता। तो सोल जो मैंने आपको दिखा दिया इसी को खरीदें, अच्छा सोल है, अच्छा वज़न करता है, FCR रिड्यूस कर देता है, तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। अच्छा, इसमें एक बहुत ज़्यादा अहम बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, बहुत सारे फार्मर्स ऐसा होते हैं कि वो बड़े तालाबों में डायरेक्ट इसको शिफ्ट कर देते हैं छोटे सीड को 3 इंच के 4 इंच के, और वो बड़ी क्वांटिटी में 10,000 5,000 की क्वांटिटी के हिसाब से शिफ्ट करते हैं, और उसके बाद उनको मोर्टेलिटीज़ का आइडिया नहीं होता, साल के एंड में जब वो निकालते हैं तो वो उनकी 20% एवरेज भी नहीं निकलती और वो फीड उसको वेस्ट पर वेस्ट कर रहे होते हैं और उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो मैं ये बात क्लियर करता चलूँ, छोटा सीड आप कभी भी बड़े तालाब में ना शिफ्ट करें, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ को आपने डेवलप नहीं किया, उसके नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पानी में रहने की। सेकंड, आप इतने बड़े एकड़ों के हिसाब से करेंगे तो ये पानी के लेयर्स के बॉटम में रहते हैं, ठीक है, ये बॉटम फीडर हैं, ये वहाँ से खुराक कलेक्ट करते हैं, वहीं से शिकार करते हैं, वहीं से खाते हैं। तो हमें पहले सोल की या कोई भी फिश है, मैं जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज करता होता हूँ वो ये है कि आप मछली की किस्म को समझें और उसकी नेचर को समझें, आपके लिए फ़िश फार्मिंग बहुत ईजी हो जाएगा।
ठीक है। तो बहुत सारे फार्मर्स मुझे कहते रहे हैं कि सर हमने 10,000 सीड डाला तो हमारा तो 1,000 भी नहीं निकला, 2,000 भी नहीं निकला, वो सीड किधर गया, हम तो उसको फीड भी डालते रहे हैं, हमारा जो लेबर थी या हम खुद भी डालते रहे हैं, हम उसको क्या फीड डालते रहे हैं, ये भी डालते रहे, वो भी डालते रहे, तो वेजन नहीं निकला, ये नहीं निकला, वो बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके क्लियर करता चले जाऊँगा। तो पहले आज की इस वीडियो में सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि हमें इसकी डिमांड एंड सप्लाई मैंने आपको बता दी, छोटा सीड के नुकसानात हैं वो मैं इंशाल्लाह आगे फिर फर्दर डिटेल में समझा दूंगा, किस सीड को कहाँ रखा जा सकता है, इसको अलहदा नर्सरी में रखें या कॉमन क्रॉप्स के साथ रखें, यह आपकी मर्जी है। नर्सरी में रखना होगा तो मैं उसके लिए अलहदा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह, उसमें मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि नर्सरी में इसको कैसे रखना है, कैसे इनिशियली इसको फीड देनी और कैसे। तो साल के एंड में 600-700 ग्राम 800 ग्राम का अगर सीड रखा हुआ हो तो उसका एवरेज वज़न 3 किलो तक आ जाता है, ठीक है। कुछ मैं जैसे लास्ट ट्रिप में जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की उस दिन मैं उसको कवर नहीं कर पाया क्योंकि शिफ्टिंग हो रही थी, उसमें कुछ सोल मरे हुए निकले हमारे और कुछ जो हमने बच्चा सील किया था फिश उसमें भी वो किलो 1.5 किलो का सोल निकल आया था, ठीक है। तो जो किलो की एवरेज से ऊपर होगा वो साल के एंड में माशाल्लाह 4 किलो से अबव होगा और आपके लिए वो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे का बायस होगा। इसी तरह मल्ली की जो फार्मिंग है उसको भी करें, उसको भी साथ रखें। रिस्की, क्या रिस्क है? बिल्कुल रिस्क तो है कि वो आपकी कॉमन क्रॉप्स पर अटैक करेंगे, लेकिन अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियोस देखी हुई हैं कि किस प्रोपोर्शन से रखना है, साइज क्या होना चाहिए, अगर आप कार्निवोरस यानी गोश्तखोर मछली को रखते हैं कॉमन क्रॉप्स के साथ तो क्या साइज होना चाहिए, वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन आज मैं फिर बता देता हूँ। एक बात जहन में रखिएगा, अगर आप इसको कॉमन क्रॉप्स के साथ रखना चाहते हैं तो इसका 1/3 साइज होना चाहिए। फ़र्ज़ करिए आपका रोहू का इंचिस में अगर साइज लिया जाए वो 7 या 8 या 9 इंच का है तो इसका 3 इंच का साइज होना चाहिए। जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में देखा, इतना अगर सीड है और आपकी जो तालाब जो रोहू है, ग्रास है, मोराखी है, थैला है, इसका अगर वज़न 100 ग्राम से अबव है तो आप इसको रख सकते, नो प्रॉब्लम, ये उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा बल्कि वो इससे ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर देंगे, ये पीछे पीछे ग्रो करता चलेगा। छोटे सीड को अगर आप कॉमन क्रॉप्स के साथ रखेंगे तो मोर्टेलिटीज 90% है। अगर इसको आप सेपरेट ग्रो करें, नर्सरी में इसको ग्रो करें, फीड कराकर फिर कॉमन क्रॉप्स के साथ रखेंगे तो 90% से वो ग्राफ निकल कर 40% तक आकर रुक जाएगा कि जो मोर्टेलिटीज हैं वो 40% तक होंगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखें, एंड में मैंने कुछ बहुत ख़ास बातें की हुई हैं जो आपका जानना ज़रूरी है अगर आप सीरियस हैं सोल फार्मिंग के बारे में। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर अवेलेबल होगी। मैं इंशाल्लाह इसमें से एक बिज़नेस आइडिया भी निकाल कर दूंगा आपको कि कैसे हम इससे असल में कारोबार कर सकते हैं छोटे एरिया में, और अगर आप फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो इसके ऊपर फुल टाइम फोकस करके एक अच्छा खासा मुनाफा इसमें से जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह लोकेशन भी डिफरेंट होगी और जगह भी डिफरेंट होगी, मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सारी और डिफरेंट नई चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।